बतख गुस्सा कर गई हमसे, शायद इसलिए कि हम इसको पकड़ रहे हैं। ये हमारे पीछे भागती है, ये देखना, अभी देख रही गुस्से से, थोड़ी देर बाद हमारे पीछे भागेगी। ये देखो, ये मोमन स्टेशन के ऑटो सिग्नल है, ड्राइवर इसको देखकर गाड़ी तेज़ भगाता है और स्टेशन के इंटर होने के लिए। ये है मोमन स्टेशन रेलवे, जो सफदराबाद के करीब करीब है और सांगरेल के करीब है। ये स्टेशन ये लाहौर और फैसलाबाद के ट्रैक के ऊपर है, एक मोमन स्टेशन जो सफदराबाद और सांगरेल के सेंटर में है। अभी गौरी ट्रेन आ रही है फैसलाबाद के लिए, तो इधर रुकती नहीं है, अभी जा रही है। फनी खराबी की वजह से रुकने के लिए रुक गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अहमद हसन। आज का ब्लॉग मेरा रेलवे स्टेशन मोमन, जो फैसलाबाद और लाहौर के लैंड के मतलब सेंटर में आता है। तो सफदराबाद तो तकरीबन 15 किलोमीटर रहता, इस तो ज़्यादा नहीं हैगा। इस तो अगे सांगला हिल है, लंगोवाल बड़ोए, वो भी तुम दिखावे। इधर सफदराबाद है, तो अज तुम मैं पूरी सैर कराने की स्टेशन की। तो इतने ट्रेन कोई नहीं खड़ी होंगी, ट्रेन थोड़ी देर पहले गौरी लंघी है, लेकिन वह कोई टेक्निकल मसला ही, वो वजह से खड़ी हो गई है, तो वरना खड़ी नहीं होंगी। इतने फनी खराबी की वजह तो खड़ी हो गई है, अदरवाइज इतने कोई ट्रेन नहीं खड़ी होंगी। मोमन स्टेशन पे एक मस्जिद भी है, बड़ी प्यारी अच्छी खूबसूरत बनी है, ते वो भी तुम दिखाने हैं। इतने नमाजी नमाज पढ़ते ही, ट्रेन को लेट हो जाती थी, तो लोग नमाज पढ़ते ही। वजू खाना, ते मस्जिद बड़ी प्यारी मस्जिद है। तकरीबन 20 साल पहले बड़ी कदर ही मस्जिद की, बड़ी रौनक लगती ही, लोग नमाज ही पढ़ते थे, तो नमाजा पढ़ते थे। गड्डी जो लेट हो जाती तो नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, टाइम हो गया तो नमाज शुरू कर देंगे पढ़ना। जो ट्रेना बंद हुई ने, तो मुसाफिर भी कोई नहीं आते इस जगह पर, तो मस्जिद में नमाज भी कोई नहीं, कोई लोग पढ़ना आते हैं, या स्टाफ पढ़ता मस्जिद का, रेलवे स्टेशन का, तो वही आते हैं नमाज पढ़ते हैं। तो मैं तो अंदर दिखा भी, अगर यो ट्रेना चलदी रहन तो लोग मस्जिद भी बाहर रहे, लोग अंदर जाते रहने जगह पर। ऐसा नाम मुंडा इतना लोकल है, ये तलावत कर रहे ग्राम की स्टूडेंट है। बहुत ही प्यारी मस्जिद है, छोटी जी मस्जिद है स्टेशन पे। तो हम
थले पत्थर लाया बड़ा खूबसूरत है, देख ली है, बड़ी अच्छी मस्जिद है, प्यारी मस्जिद है। तो रेलवे वालों को इजाजत यही है अफसरों को भी नवी ट्रेन चलाई जान ताकि मस्जिद बाद हो जाए, स्टेशन बाद हो जाए, लोग अपना अपना वर्क करके अपने अपने घर पहुँच जाए कर टाइम नाल और शहरों के रश पैदा ना हो। थोड़ा सा लॉन बनाया इधर लेकिन हूँ इतना कोई सफाई सफुई नहीं करता, बस इधर ही पिया। अज तो 20 साल पहले बहुत अच्छी है, लोग बैठते ही धुपे धूपते ही बहुत ही ये भी बगीचा है मस्जिद की दूसरी साइड का, बहुत अच्छा व्यू, देखभाल यदि होने होने वाली है, पौधे वगैरह नवे लगने चाहिए इतने। मस्जिद का गुण मनार है, स्पीकर है। अज तो कोई 20-25 साल पहले ना बड़ा अच्छा यदा नवी बनी थी, होटल मस्जिद की बैक साइड है और रेलवे के क्वार्टर ने किस जमाने रेलवे वाले अपने अपने ना क्वार्टर बना देंगे फ्लैट यानी मुलाजमान सहूलत देने वास्ते। तो हूँ वो तरीकेकार खत्म हो गया, हूँ तो तुम भाई खूह के ड्यूटी करना चाहो तो तुम कर सकते, ये हालात ने हूँ कोई सहूलत नहीं खत्म हो गई ने। अज तो 20-25 साल पहले कोई मुलाजमत करने वास्ते कोई तैयार नहीं होंगे भी, तो हर डिपार्टमेंट अपने अपने क्वार्टर बना दिता ही अपने अपने मुलाजमान ताकि वो दिल लगा के काम कर सकन। मोमो स्टेशन का ब्लॉग उम्मीद भी तुम्हें पसंद आया होगा, तो नैक्सट वीडियो वास्ते मैं तुम्हें फिर मुलाकात कर दाँ ते ओके अल्लाह हाफिज़।